हेलो स्टूडेंट, मैं नलिनीश कुमार आज आपके लिए कक्षा 6 विषय हिंदी मंजरी पाठ 4 नीति के दोहे का सेकंड पार्ट रहीम दास जी द्वारा रचित दोहों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, रहीम दास जी अपने इन दोहों में अपने विचार विमर्श प्रकट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वे रहीम नर धन्य पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। रहीम दास जी अपने दोहे में कहना चाहते हैं वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। जिस प्रकार मेहंदी लगाने वालों के हाथ स्वयं मेहंदी से रंग जाते हैं। सेकंड, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहना चाहते हैं सभी व्यक्तियों को पानी बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी के बिना, मनुष्य का भी पानी के बिना और चूने का पानी के बिना कुछ महत्व नहीं रह जाता है। इसी तरह रहीमान निज मन की विद्या विथा मन ही राखो गोए, सुनी अटी लेह गो लोग सब बाटी न लेहे कोई। रहीमान जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को अपने दुखों का नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने दुखों को दूसरों के सामने बखान करेंगे तो दूसरा व्यक्ति उनकी सदैव मजाक ही बनाता है। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने दुख अपने मन में ही रखने चाहिए। नेक्स्ट है, जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घाटे जाहें, गिरीधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाहीं। रहीम जी कहना चाहते हैं अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह स्वयं अपनी हीनता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा व्यक्ति होता है वह किसी के कहने से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हूक। रहीम जी कहना चाहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय को महत्व नहीं समझता है वह समय निकल जाने पर पछताता रहता है और सदैव दुखी रहता है। वह सोचता रहता है कि काश हमने समय के रहते हुए इस कार्य को कर लेना चाहिए था। डियर स्टूडेंट, रहीम जी कहना चाहते हैं जो व्यक्ति समय के साथ चलता है वह सदैव खुश रहता है। डियर स्टूडेंट, रहीम जी के केवल यही 5 दोहे थे। हमने पिछली वीडियो में आपको कबीरदास जी के 5 दोहों के बारे में बताया था। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप स्कूल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।